हे गाइस, स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। मेरा नाम है आशु एंड मेरे साथ है आयुष एंड प्रशांत भैया, जिनकी ये गाड़ी है i20 हुंडई की। तो आज हम भैया से जानेंगे ओनर एक्सपीरियंस। भैया ने ये गाड़ी रिसेंटली ही परचेज करी है एंड क्या इन्हें डील इन्होंने ब्रेक करी है एंड क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सब इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इन्होंने सारी गाड़ी देखी है भाई, सेगमेंट की, इवन कॉम्पैक्ट एसयूवी भी देखी है एंड भैया आज सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब सब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम भैया। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर हम यार क्वेरीज ज़्यादा रिजॉल्व कर देते हैं तो वहाँ कॉन्टैक्ट करना ना भूलें हमसे। बिल्कुल, पर्सनली करते हैं वो भी। उसके लिए कोई सेक्रेटरी रखेंगे क्या? अबे एक एक क्वेश्चन को करते हैं यार हम। हाँ जी भैया, तो आपने कब परचेज करी ये? मैंने मार्च में ली थी गाड़ी। मेरी डिलीवरी इसको मेरे को मिली थी इसकी 12 मार्च को। सो अभी तक मैंने इसको अराउंड 2800 किलोमीटर्स ही चलाई है, क्योंकि लॉकडाउन भी है और फिर अदर फैक्टर्स भी हैं कि ट्रैवलिंग इतनी नहीं है अभी। सो उस हिसाब से मेरी रनिंग के हिसाब से कम है। तो अभी वही वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज है, ये सब है, तो ट्रैवलिंग अभी कुछ होती भी नहीं है, कभी कहीं ट्रैवल भी नहीं किया है कुछ। So, इतना ही है अभी। बाकी गाड़ी तो अच्छी है, देखो इस सेगमेंट में प्रीमियम है। ये अपनी सेगमेंट को डिफाइन करती है गाड़ी, क्योंकि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है तो उसको डिफाइन करती है ऑब्वियसली। स्पेशियस है गाड़ी, आप इसकी लेंथ देखेंगे आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के इक्विवेलेंट ही मिलेगी। तो विड्थ भी अच्छी है गाड़ी की, सीटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा है, प्रीमियमनेस है गाड़ी में। आप बैठोगे आपको फील होगा, इसका टच स्क्रीन, आपको स्टेयरिंग, सब चीज़ें फील होगा। देन उसके साथ ही इन्होंने थोड़ा स्पोर्टी सेगमेंट पे भी काम करा है, इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए। आप ऑल टुगेदर देखेंगे इसकी पूरी बॉडी लाइनिंग पे आपको एक क्लैडिंग मिलेगी जो कि ग्लॉस ब्लैक में है, वो इसको थोड़ा सा अच्छा डिफाइन कर देती है, थोड़ा स्पोर्टी लुक देती है। इसकी ग्रिल भी ग्लॉस ब्लैक में आ जाती है, पियानो फिनिश आ जाती है, तो वो पियानो फिनिश वाइट कलर पर बहुत ज़्यादा सफाइस करता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी पहले की लुकिंग बढ़िया थी या अब की लुकिंग बढ़िया? जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इससे पहले वाला था वो हर किसी का डिफर कर सकता है ऑब्वियसली। हाँ, ये थोड़ा स्पोर्टी वो पर्सनल प्रेफरेंस है। हाँ, मतलब कमेंट यही आते ना यार। हाँ, और क्योंकि देखो स्पोर्टी तो है, अब ये अब वाली ज्यादा हो गई है, वो एक बेसिक कार थी, बट आपको अगर एक एलिगेंट कार चाहिए, आपके फैमिली के हिसाब से चाहिए, सब चीजें आपको अगर हर एज फैक्टर को देखना है कि कौन कौन उसे ड्राइव करेगा तो किस किस को वो डिफाइन करेगी, आपकी पर्सनालिटी को वो कैसे डिफाइन करती है, उस बेसिस पे इससे पहले वाला सेकंड सेगमेंट जो इसका वो था वो अच्छा था। बट ये थोड़ा सा आपको कह सकते हैं स्पोर्टी बल्कि लगने लगी है, मतलब अच्छी लगती है ये भी। इसके शार्प कट्स वगैरह, एरोडायनामिक आप कट्स देखेंगे इसकी बॉडी पे, इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए। हाँ, तो थोड़ी अच्छी लगती है। इसे लेते वक्त आपने क्या क्या कार सर्च करी थी? मैंने बता रहे थे आपने बुक भी करी थी। हाँ, मैंने देखो, मैं सबसे पहले गया था टाटा। अच्छा, तो मैंने ऑल्ट्रोस देखी। ऑल्ट्रोस इस प्राइस सेगमेंट में टॉप मॉडल आता है, ठीक है। देन टाटा की जब मैंने टेस्ट ड्राइव लेने बैठा तो क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन ऑल थ्रू आउट द लाइन है, आपके पास नेक्सॉन में भी आपको वही मिलता है, ऑल्ट्रोस में भी आपको वही मिलता है। So, वो इतना रिफाइंड वो टर्बो आ जाता है, बट देन आपको अगर उसमें आप इको मोड और सिटी मोड पर चला दो तो वो भी आपको बेसिक ही नेचुरल एस्पिरेट फील देता है, वो हिट नहीं आता उसमें, आपको स्पोर्ट मोड पे वो ले जानी पड़ेगी अगर आपको वो पंच चाहिए। आ जाया, देख लेना। सो देखो वाइब्रेशन है उसमें गाड़ी में, वो प्रीमियमनेस नहीं है। लुक्स के हिसाब से आपको अच्छी है, वो स्पोर्टी है, सब चीज़ है, बट देन आप जब टेस्ट ड्राइव लोगे गाड़ी को चलाओगे ना, थोड़े टाइम बाद वो ऐसी हो जाएगी कि मतलब आप मारुति और वो आपको एक सी ही लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ लग रही है, इंजन नॉइज़, केबिन नॉइज़ आपको आ रही है ना, गियर लीवर आपका वाइब्रेट कर रहा है, तो वो चीज़ें हैं। उस पर टाटा को ऑब्वियसली काम करना चाहिए। बट यार एक इंडियन कार है, इंडियन कार है, आई वुड से बिल्कुल है इंडियन कार है, और हमें प्रेफरेंस तो देनी चाहिए। देखो हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, ठीक है। इंडियन कार है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई वुड से टॉप इन क्लास है, सब चीज़ बहुत अच्छी है, बट देन जब अगर आप बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पे और सारे फीचर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अभी टाटा अभी इस लाइन में आया है कि उन्होंने अपनी डिजाइनिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, है ना, लेकिन वो मार्केट में अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ है कि उनका रीसेल मार्केट में आ चुका है, बट अगर है भी बहुत कम है कंपेयर करोगे। हाँ, तो बहुत ज्यादा सेल है एल्ट्रोस की, तो बिल्कुल है, बिल्कुल इससे ज्यादा है। 20
ज्यादा सेल है। देखो इसका फैक्टर ये हो सकता है कि मैग्ना से स्टार्ट करते हैं, इनकी रेंज हाई है, उधर अल्ट्रोस की रेंज लो आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली, देखो अल्ट्रोस आपको इस रेंज में टॉप मॉडल देता है, इससे काफी ज्यादा फीचर देता है, क्रूज कंट्रोल भी देता है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं देती। इसके लिए आपको थोड़ा अपर सेगमेंट में जाना पड़ेगा। आपको लगता है इसका भी एरा आने वाला है? तो भैया जैसे अभी मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है एरा की, बट काफी जगह से मतलब पिक्स वगैरह लीक हुए हैं कि एरा आ रहा है और प्राइस सेगमेंट जो है उसका काफी लो रखा जाएगा, बट फिर वही हुंडा है तो अपने फीचर्स कट करने के लिए मशहूर है, काफी सारे कट कर देगा। बिल्कुल करता है। सो आप उन चीजों को देखोगे, मैग्ना अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा लो फीचर मॉडल लगता है। स्पोर्ट्स आप देखो तो मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, दो तीन चीजें हैं हालांकि जो कि इसमें होनी चाहिए थी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, वो नहीं है, वो कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली हुंडई ने करी है, बट देन कॉस्ट कटिंग भी अगर मैं बोलूं तो बहुत क्लेवरली करी है हुंडई ने, ये बहुत अच्छी चीज लगती है। आप इसके व्हील्स की अगर बात करें, एक आदमी चाहता है कि अगर वो इस प्राइस रेंज में जाए ना उसको अलॉय व्हील्स भी मिले, एक वो फील मिले अलॉय व्हील्स वाला, ये स्टील ये देता है, फील रखा है। हाँ, वो रखा है, वो मेंटेन करा है, व्हील कैप है ना, ये व्हील कैप है, स्टील रिम्स है, लेकिन इसकी कटिंग और डिजाइनिंग इस हिसाब से की है कि आपको फर्स्ट ग्लांस में जो देखेगा ना वो कहेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, अगर जिसको नहीं, जो न्यू कमर है, सब लोगों को नहीं पता है कि वो यही बोलते हैं कि यार मेरे को लगता था ये तो अलॉय ही है, ये अलॉय नहीं है। तो ऑप्शन तो आफ्टर मार्केट भी बहुत आते हैं, अल्ट्रोज में भी लगवा। देखो ऐसा होता है, लोग कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं बेस मॉडल लूंगा, मैं उस पर 2 लाख रुपए लगाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर वीकेंड पे जाके खड़ा हो जाऊंगा दुकान पे, मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं पूरा दिन दूंगा, आराम से करोल बाग में जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा, अपनी सिटी में भी जाऊंगा, तो मैं पूरा दिन दूंगा और लगाऊंगा। तो भैया बलिनो आपने बुक करी थी, पर क्यों नहीं ली फिर? बलिनो के बाद में एक रैंडम होता है ना कि मार्केट में जब है ऑप्शंस तो एक बार देख लेना चाहिए, एक ग्लांस होना चाहिए। सो एक बार रैंडमली मैं मूव कर गया था, हुंडई पे गया तो ये देखी गाड़ी, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा मतलब अच्छी लगी, फिर टेस्ट ड्राइव ली तो और ज़्यादा अच्छी लगी, फिर लगा थोड़ा सा कि हाँ ऑब्वियसली ये पहले से माइंड में था कि बलिनो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, बट ये मैच कर रही थी मेरी नीड्स को कहीं ना कहीं। अच्छा भैया ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो मतलब पहले गाड़ियाँ देख रहे थे, हाँ, तो पहले आप यूट्यूब पर कंपैरिजन देख रहे होंगे, बिल्कुल है ना, फिर उसके बाद आप पर्सनली गए शोरूम्स पे, हाँ, और फिर आपने अपना माइंड बनाया, हाँ, मतलब यूट्यूब पे देखना एक अलग चीज होता है और पर्सनली शोरूम पे जाके विजिट करने में अलग माइंड बनता है। देखो जो यूट्यूब पे हम देख रहे हैं वो उसकी प्रेफरेंस है, हमारी कुछ और हो सकती है, हमारी नीड्स कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैं ये बोलूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि आप देखो, एक आइडिया लो, आप अपना नॉलेज गेन करो वहां से, बट देन नॉलेज गेन करने के बाद ना आपको फील खुद ही लेना पड़ेगा, खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको बेटर क्या लगा भैया आपको? देखो थोड़ी प्रीमियमनेस फील हुई मेरे को, अच्छी लगी, स्पोर्टी भी है, सब चीज है, बलिनो थोड़ा बल्की डिजाइन में आ जाती है, ये इसके आप बॉडी कट्स वगैरह यहाँ पे देखेंगे ना, लाइनिंग वगैरह, वो बहुत ही स्पोर्टी है, तो थोड़ी सी लगती है, अच्छी सी लगती है। फिर ये न्यू डिज़ाइन है मार्केट में, तो ये हेड टर्निंग डिज़ाइन है, तो ये अच्छा ऑब्वियसली लगा बलिनो के कंपैरिजन में। अभी भी होता है हेड टर्न? होता है अपने साथ भी, तो होता है भूल गया है क्या? होता है, काफी होता था, काफी होता है, आप खड़े भी हो, इवन आपको कोई जा रहा है ना वो देखेगा, जरूर देखेगा, ऐसा लगता है कि कोई मतलब है, कुछ नई चीज है, इसको देखना चाहिए, बड़ी सी गाड़ी है कोई, हाँ एक्सपेंसिव सी, ये अच्छी, हाँ प्रीमियमनेस है, क्योंकि लोग अभी थोड़ा अवेयर भी नहीं हुए हैं इस वेरियंट, अल्ट्रोस को लोग जानने लगे हैं, बलिनो को लोग जानने लगे हैं, इसको लोग अभी नहीं जानने, तो वो जानने के लिए वो क्यूरियोसिटी हर किसी के अंदर होती है, तो वो लोग देखते ही हैं कि हाँ क्या है इसमें ऐसा। तो भैया आपको लगता है ये मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? देखो ये वेरिएंट स्पोर्ट्स वेरिएंट है 1.2 लीटर में नेचुरल एस्पिरेटेड में, ये जस्टिफाई करता है। आप थोड़ा ऊपर जाए तो फिर वो सेंस नहीं बनता कि हम नेचुरली एस्पिरेटेड पे जाए, आपके पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं आउट से, तो और फिर फीचर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो वही चीज है कि ये सफिशिएंट फीचर्स के साथ आपको मतलब अच्छा प्राइस रेंज है इसका, ये जस्टिफाई करता है ये वाले वेरिएंट, तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ये वाला बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। स्पोर्ट्स, हाँ एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल को अगर वो ओवर प्राइस हो जाता है, उसमें फिर आप मतलब सेडान में भी जा सकते हैं। अच्छा भैया सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आपने देखी इसमें? हाँ, तो वेन्यू आती है, सोनेट आती है,
देखो वेन्यू भी बहुत पुरानी सी लगने लगी है है ना, सेम रेंज में आ जाती है वेन्यू, बट वो ये बल्कि डिज़ाइन सा है वो, थोड़ा मेरे को नहीं पर्सनली पसंद। सोनेट देखी, सोनेट कंसिडर करी थी एक पॉइंट पे, बट देन जब आपको, आप शोरूम पे जाते हो ना, जब आपके पास पैसा होता है, आपका मूड बना हुआ होता है कि गाड़ी लेनी है ना, आपको 4 से 6 महीने की वेटिंग वो लोग बता दें, वो कहीं ना कहीं लगती है कि मैं इतना नहीं वेट करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि 4 या 6 महीने बाद मार्केट में नया क्या आएगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो ऐसा है कि वो हर दिन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली लॉन्चिंग बिल्कुल ही है। आपके फीचर्स इंट्रोड्यूस, आप किया को ही देख लो, किया जब मैंने ये वाली ली थी, अगर मैं उसको करता उसके बाद उन्होंने लोगो चेंज वगैरह, उनके मार्केटिंग, मतलब वो पूरा पैरामीटर ही चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इवन मॉडल्स भी उन्होंने कुछ चेंज, थोड़े से डिफरेंसेस करे हैं, बट अगर मैं देखूँ, अगर मैं सिर्फ एक लोगो को भी कंसिडर करूँ ना, तो लोग के दिमाग में क्या आता है, ये वाला पुराना है, ये वाला नया है, तो ये डिफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं लगते हैं ये जो 4-6 महीने बाद ही आ जाते हैं, तो इतना वेट नहीं होता चीजों पे, इन चीजों पे इतना वेट नहीं होता। तो भैया स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा लगा आपको इसका? देखो स्टीयरिंग रिस्पांस के लिए हुंडई शुरू से ही जानी जाती है, ठीक है, स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है इसमें। आप नई गाड़ी को चला लो, आप 5 साल बाद गाड़ी को चला लो, आपको रिस्पांस वही मिलेगा, मोर और लेस 19-20 का डिफरेंस आता है, बट देन वो इतना नहीं आता, बट आप अगर अदर कंपनीज पे जाओगे तो आपको वो डिफरेंस थोड़े टाइम बाद फील होना शुरू हो जाएगा कि थोड़ा हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग। देन क्लच का भी आप देखेंगे रिस्पॉन्स जो बहुत स्मूथ है हुंडई का, तो इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में तो ये मतलब ड्राइविंग प्लेजर है इस गाड़ी में, क्योंकि एल्ट्रोज का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भैया इससे फार बेटर है। देखो शुरू में है, मैं बस ये कहूँगा शुरू में है, तो बाद में आपको थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाएगा वो ना। अच्छा हाँ, वो गाड़ी अगर आप टेस्ट ड्राइव के लिए भी जाओगे तो आपको एक गाड़ी मिलेगी जो 5-7 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर चली हुई होगी, तो उस गाड़ी को अगर आप टेस्ट ड्राइव करोगे ना, तो वो आपको केबिन नॉइज वाइब्रेशन वो इतनी फील हो जाएंगे कि आपको वो प्रीमियमनेस आएगी नहीं, और ये सेगमेंट है प्रीमियम हैचबैक, तो अगर ये प्रीमियमनेस डिफाइन ही नहीं कर रही कोई गाड़ी उस सेगमेंट में होके, तो क्या फायदा। आई वुड नॉट से कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेने वाले ले रहे हैं, इवन सेल्स इससे i20 से अच्छी है अल्ट्रोस की, बिल्कुल वो प्रेफरेंस है हर किसी की, सो वो प्रेफरेंस के हिसाब से ही लोग लेते हैं, अपने अपना चॉइसेस हैं, अपने अपना आप व्यू होता है, आप ड्राइव करते हो, सबका चलाने का तरीका अलग होता है, तो उस हिसाब से देखो। तो भैया सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा हुंडई के साथ? देखो लॉकडाउन हो गया था, अभी लॉकडाउन खुला था, तो कोविड की वजह से मैंने भी थोड़ा इग्नोर किया शोरूम जाना, मैं पिक एंड ड्रॉप कराया था मैंने, क्योंकि इसकी इंस्पेक्शन सर्विस थी, तो इसमें ऐसा कुछ मेजर होना भी नहीं था, वॉशिंग वगैरह ही होनी थी, बाकी सब इंस्पेक्शन होना था, तो इसीलिए मैंने इतना बॉदर भी नहीं किया कि मैं शोरूम जाऊं या वहां पे टाइम स्पेंड करूं। ये वाला कलर के लिए आपने वाइट, मतलब कलर तो बहुत सारे आते हैं, कलर बहुत हैं, देखो कलर सारे शोरूम में अच्छे लगते हैं खड़े हुए, ठीक है। अब आप ये देखो स्टारी नाइट पे आप जाओगे, इसका जो पियानो ब्लैक आप देखो ना, ग्रिल हो गई, क्लैडिंग हो गई, वो इसी के साथ फील हो रहा है, फिर वो डिफाइन ही नहीं करेगा, बिल्कुल वो कलर में मिक्स हो जाएगा, वो दिखता नहीं है। हाँ, वो फिर हाई मेंटेनेंस कलर हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाते हैं। सो आजकल क्या है, आजकल सेरेमिक कोटिंग, पीपीएफ प्रोटेक्शन, ये वो ये सब बहुत चीज होती है, लेकिन मेरा मानना है आप गाड़ी को रोज क्लीन करो, आप मेंटेन करोगे ना, आपको नीड नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। बाकी कराने वाले कराते हैं है ना, तो कराओ, वो सबका प्रेफरेंस है। तो आप ये रिकमेंड करना चाह रहे हो हमारे व्यूअर्स को कि मतलब भाई आप इस गाड़ी को कंसीडर जरूर करें? मैं तो कहूंगा, ऑब्वियसली मैंने स्पेंड किया है तो मैं कहूंगा, अगर देखे तो देखो माइलेज, अपना अपना ड्राइविंग वे ऑफ ड्राइविंग है कि माइलेज किस हिसाब से आ रहा है। मैंने इसका माइलेज कम भी निकाला है, इसका माइलेज ज्यादा भी निकाला है। अब आपको भगानी है तो ऑब्वियसली आपको एवरेज नहीं मिलेगा, आपको एक सेगमेंट ऊपर जाना है ना, अगर आपको ऑब्वियसली एक प्रीमियमनेस चाहिए, आपको एक कंफर्ट चाहिए, तो आपको थोड़ी सी एक पॉइंट पे आगे नेगलेक्ट करनी पड़ती है ये चीजें, पैसा खर्चना, मतलब कहते हैं ना कि विद ग्रेट कंफर्ट कम्स ग्रेट कॉस्ट, तो वो कॉस्ट आ रही है, आती है, बट ऐसा भी नहीं है कि एवरेज नहीं निकालती। मैं आपको बताता हूँ विदाउट एसी, अभी मैंने इसको 3 दिन पहले, लाइक मेरी ड्राइविंग जो कंटिन्यू हुई थी 30-40 किलोमीटर के अराउंड हुई थी, विदाउट एसी थी, बारिश थी, तो मैंने इसको बहुत आराम से चलाया। इसका MID ने डिस्प्ले दिया मेरे को 24 का, धोखा तो आई वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा है, मजा आ गया। बट मैं इसको अगर AC पे भी हाईवे पे चला रहा हूँ
तो मतलब 20 का दिखाता है MID, तो उसको हम 18 भी ले लें तो 18 इज नॉट अ गुड एवरेज, मतलब नॉट अ बैड एवरेज. हाँ, तो ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से या इस कार के सेगमेंट के हिसाब से वो बुरा नहीं है. तो भाई इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर. एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं. एंड वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. इस वीडियो को लाइक तक रखते हैं, चलिए धन्यवाद.